नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्मेला पीजी कॉलेज, गृह विज्ञान विभाग, वाराणसी। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल लाइफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व के सभी जगह गांव तथा शहर दोनों ही दिखाई देते हैं, लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ जब व्यक्ति खेती करना नहीं जानता था, खाना बदोश जीवन जीता रहा, उस समय वह अपने भोजन की तलाश में, और उसने जब खेती करना शुरू किया तो वह एक ही जगह निवास करने लगा, और जब वह एक जगह निवास करने लगा तो वह उसी सामाजिक समूह के साथ रहने लगा, और वह सामाजिक समूह क्रमशः गांव के नाम से जाना जाने लगा। वही गांव जो कि मानव सभ्यता के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है, और गांव गांव की कुछ विशेषता है, गांव प्राकृतिक पर्यावरण, कृषि मुख्य व्यवसाय, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, इन सब से युक्त होता है। तो हम आज आपके सामने गांव की कुछ विशेषता बताएंगे जो कि आज वर्तमान समय में भी गांव का बहुत विकास हो चुका है, उसके बाद बावजूद ये विशेषताएं लगभग सभी गांव में देखी जाती है। हम क्रमशः एक एक करेक्टरिस्टिक को बताते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले परिवार का मुख्य महत्व, परिवार की मुख्य महत्व या परिवार की प्रधानता। तो सबसे पहले गांव में जो परिवार है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। सामाजिक स्टेटस या सामाजिक विकास के क्षेत्र में व्यक्ति का रोल शहर में ज्यादा होता है, व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, जबकि गांव में व्यक्ति परिवार के नाम से जाना जाता है। तो हर व्यक्ति का यह दायित्व होता है गांव में कि अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा सम्मान को बनाए रखना। दूसरा, संयुक्त परिवार प्रणाली। गांव में संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी देखी जाती है, जबकि शहर में न्यूक्लियर परिवार फैमिली की प्रधानता हो गई है, परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी अपना परिवार मतलब माता पिता, उनके बच्चे और माता पिता के भी माता पिता तथा चाचा ताई दादा दादी सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो गांव में हमें आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है, जिससे कि उनमें आपस में बहुत ज्यादा प्राथमिक संबंधों की निकटता होती है। तीसरे पॉइंट्स में आते हैं तो प्रकृति के निकट। जब गांव के लोग खेतीबाड़ी उनका मुख्य व्यवसाय होता है तो खेती के लिए वो पूरा दिन मैदान में रहते हैं तो और खेती करते हैं, जिससे धूप, वर्षा, जाड़ा प्राकृतिक चीजों के करीब ज्यादा होते हैं, तो उनको प्राकृतिक आनंद ज्यादा प्राप्त होता है, और गांव में शहर की तरह इमारतें नहीं है, जिससे भी ग्रामीण व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण का ज्यादा आनंद ले पाता है, और जिसके कारण से गांव के लोग आज भी शहर की तुलना में यदि कंपैरिजन किया जाए तो प्राकृतिक निकटता के कारण उनका हेल्थ ज्यादा अच्छा होता है बनस्पत शहर के लोगों के। फोर्थ पॉइंट में आते हैं कृषि मुख्य व्यवसाय। प्राकृतिक निकटता उनकी ज्यादा होती है, अभी हमने आपको बताया, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। वो खेती में ज्यादा परिवार में यदि 10 लोग हैं तो मैक्सिमम 8 लोग खेती पे डिपेंडेंट है, सब लोग खेती बाड़ी में लग रहे हैं, परिवार की महिलाएं, परिवार के पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी खेती में लगे होते हैं, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय होता है। कृषि के अलावा कृषि से जुड़े ही व्यवसाय को भी वो लोग अपनाते हैं, तो कृषि मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं
कि प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, जब उनका ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार प्रथा से जुड़े होते हैं, परिवार का ज्यादा महत्व होता है, तो प्राथमिक संबंधों को जो प्राइमरी ग्रुप्स है, प्राइमरी ग्रुप्स मतलब उनके परिवार, उनके आस पड़ोस, उनके नातेदारी, इन शब्दों से उन संबंधों का उनका ज्यादा निकटता होती है, प्राथमिक संबंधों में ज्यादा लिप्त होते हैं, जबकि शहर के लोग सेकेंडरी ग्रुप में सोशल मीडिया पे उनके फ्रेंड सर्कल में इन लोगों से ज्यादा निकटता होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स में हम आते हैं, तो प्राकृतिक वातावरण से युक्त, जब प्रकृति से निकटता है तो, और सारा दिन वो खेती में लगे रहते हैं, तो पूरा दिन उनका जो और काम भी घर का होता है वो मैदान में खेत में बीतता है, इसलिए प्राकृतिक वातावरण के निकट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जजमानी व्यवस्था, गांव में जजमानी व्यवस्था चलती है कि हर परिवार का जो एक पंडित होता है, और वो जो पंडित होता है वो अपने परिवार, जिस परिवार का वो पंडित है उसे जजमान कह के बुलाता है, तो वहां पे जजमानी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। एक पुरोहित हर काम है, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार उस पंडित के द्वारा कराया जाता है। जाति संबंधों की प्रधानता, वहां पे लोग एक दूसरे से जातिवाद की कास्टिज्म ज्यादा चलता है, बल्कि शहर में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, पर गांव में भी विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे उच्च जाति की प्रधानता ज्यादा होती है और वो उच्च जाति के नाम से जाने जाते हैं, मुखिया का रोल ज्यादा होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको 7 पॉइंट्स रूरल लाइफ के बारे में, रूरल लाइफ की करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रूरल लाइफ की और विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। आपको जो डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने आपको ग्रामीण जीवन की विशेषता बताया। ग्रामीण जीवन आज भी प्राइमरी ग्रुप्स, प्राथमिक संबंधों को, संयुक्त परिवार प्रणाली को, परिवार को ज्यादा महत्व देता है, जो कि आज वर्तमान समय में शहर से ये चीजें दूर होती जा रही हैं। इस प्रकार से हमने आपको ग्रामीण जीवन के बारे में बताया। थैंक यू।